आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर मूली और हरी मिर्च का झटपट अचार। इस अचार को धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है और इसे बनाने में मैक्सिमम आपको 15 मिनट लगेगा। इसमें हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार अचार की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। गाजर मूली और हरी मिर्च का झटपट अचार बनाने के लिए मैंने 2 गाजर, 2 मूली और 3 बड़े वाले हरी मिर्च लिए हैं। ये तीखा कम होता है, आप इसकी जगह छोटी हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों को काट लेंगे। तो मैंने इन तीनों को एक शेप में काटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से काट सकते हैं। अब हम चलते हैं मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके एक पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखें और सरसों को हम 2 मिनट के लिए ऐसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो इसे ऐसे लगातार चलाते रहें ताकि सरसों जो है वो पक जाए। जैसे ही सरसों पक जाएगा हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। फिर हम इसमें 1/2 बड़े चम्मच यहाँ पे मेथी डाल देंगे, 12 से 15 साबुत काली मिर्च डाल दें, 1 बड़ा चम्मच धनिया और 1 बड़ा चम्मच सौंफ डाल देंगे। इन सबको हम 1.5 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, तेल या घी का यूज़ नहीं करना है। जैसे ही मसाला भुनना शुरू हो जाएगा मसालों से अच्छी खुशबू आने लगेगी और मसालों का कलर जो है वो पहले से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मसाला हमारा पक गया है, हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को हम ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। मसालों को हल्का सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। पूरा ठंडा करके ग्राइंड नहीं करें। तो यहाँ पर जार का ढक्कन बंद करके और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा अचार का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में अचार अच्छा बनता है, आप चाहें तो दूसरा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप सरसों का तेल यूज़ करें तो उसे अच्छी तरह गर्म हो जाने दें। जब उससे धुआं निकलने लगे तभी उसमें कुछ डालें। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें पहले ये हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को हम तेल में पहले 1/2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उससे क्या होगा, हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाएगा और अचार और भी टेस्टी लगेगा। फिर हम इसमें जैसे ही हरी मिर्च फ्राई हो जाएगा बाकी के ये गाजर और मूली डाल देंगे। तो यहाँ पे गाजर मूली डाल दें। गाजर मूली को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, उसका जो क्रंच है वो ख़त्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर पहले इसे तेल में मिला देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है यहाँ पर। जैसे ही तेल में गाजर मूली अच्छे से मिल जाएगा हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे हम हरी मिर्च यूज़ करें तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च तीखा कम होता है। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे, तो नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और इसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जैसे ही हल्दी और लाल मिर्च जो है वो गाजर और मूली में अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम उसमें वो मसाला डाल देंगे जो हमने अभी बना के रखा है। तो यहाँ पे हमने ये जो मसाला बना के रखा है ये 3 बड़े चम्मच ये मसाला डाल देंगे, पूरा मसाला नहीं डाले। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ये भुना हुआ मसाले का पाउडर डाल देंगे। फिर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच आमचूर का पाउडर डाल देंगे। आमचूर से तीखापन जो होता है वो कम हो जाता है और अचार जो है वो चटपटा हो जाता है। तो यहाँ पे आमचूर का पाउडर डाल दें और इसके बाद इन सबको हम मिला देंगे। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, मसालों को अच्छे से मिला दें। मसाला हमने जो यूज़ किया है वो ऑलरेडी भुना हुआ है, तो उसके बाद इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे चलाते हुए पकने दें। तो ये हमारा अचार जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे एक बार वापस अच्छे से मिला दें। तो ये देख सकते हैं देखने में कितना कलरफुल लग रहा है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये हमारा गाजर मूली और हरी मिर्च का मज़ेदार अचार जो है वो रेडी हो चुका है। आप इस अचार को तुरंत खाएं। आप चाहें तो इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख के 2 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस अचार को धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टेंट अचार है। तो आप इस इंस्टेंट गाजर मूली हरी मिर्च की अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।